हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचपी सिंस आई लेमेंट। तो इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं एमेट से रिलेटेड वीडियोज को। चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं और आपकी जो भी क्वेरी हो, कमेंट हो, आप मुझे बता सकते हो और मैं ट्राई करूंगा उस पर वीडियो लाने की। थैंक यू। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपी सिंस आई लेमेंट में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इन इंडिया। सिंपली देखें तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की क्या प्रोसेस है। तो ये जो सीरीज चल रही थी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग वाली, वही है। और ये पर्टिकुलर वीडियो है या टॉपिक है एमेट के इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से। ये कईयों के बीएड में भी टॉपिक है, तो जिसके भी ये टॉपिक है वो ये वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा है और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है। 90% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के वीडियो देख जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब। चलो तो पढ़ते हैं इसके स्टेप्स को, क्या क्या होते हैं प्लानिंग के। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें कितने स्टेप होते हैं। तो इसमें जो मैंने बताया उसमें 6 स्टेप हैं, लेकिन ये कई जगह आपको 8 स्टेप्स भी लिखे होंगे, बट डजेंट मैटर। बुक्स टू बुक्स वरी करता है कई बार। ठीक है, तो पहला स्टेप है अंडरटेकिंग ए सर्वे ऑफ द नीड्स ऑफ द स्कूल या एनालिसिस, जिसमें हम जरूरतों को पहचानते हैं, प्रॉब्लम्स को, नीड्स को, डिमांड को आइडेंटिफाई करते हैं। देन इसमें लिखा है कि अंडरटेकिंग ए सर्वे ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल विद स्कूल एंड कम्युनिटी, कि ह्यूमन रिसोर्स और मटेरियल रिसोर्स कैसा है वहाँ पे। देन प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ प्लान, कि पहले रफ सा प्लान होगा उसको फिर से मॉडिफाई किया जाएगा, फिर प्लान को फाइनलाइज किया जाएगा विद द डिस्कशन ऑफ टीचर, स्टूडेंट एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, क्योंकि ये सभी क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और इन सभी की राय होना, इवन पेरेंट्स की राय होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्लान को फाइनलाइज करते वक्त। देन है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कोई भी प्लान क्या है, ए पीस ऑफ पेपर है। ठीक है, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। देन इम्प्लीमेंट होगा तो उसमें कुछ काम होंगे, टास्क होंगे, प्रोग्रेस होगी, और उन सभी को कैसे मॉनिटर या रिव्यू किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इवेल्युएटिंग सिस्टम। राइट, देन इवेल्युएशन के जो भी प्रोसेस होती हैं वो लिखना है आपको। तो सिंपली ये 6 स्टेप अगर आपको याद हैं या बेसिक आपको नॉलेज को अप्लाई करने में अगर आप में एबिलिटी है, तो आप ये स्टेप्स खुद से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि बेसिक स्टेप है अवेयरनेस होना। किसके बारे में अवेयरनेस होना, जो भी नीड्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिमांड्स हैं इंस्टीट्यूशन की, और कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो इसमें केवल एक पर्सन इस स्टेप को नहीं कर सकता। यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स की राय लेना ज़रूरी है कि कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये क्या होना चाहिए, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। टाइम टू टाइम ये पता रहना चाहिए कि क्या नीड है, प्रॉब्लम है, डिमांड है इंस्टीट्यूशन की, ताकि उनको पूरा किया जा सके। और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस में जो कमेटी होती है उनकी मीटिंग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, देन एनालिसिस में क्या कर सकते हैं हम, एनालिसिस में हम डिफरेंट एरिया को देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, टीचिंग एंड टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, स्टाफ कैसा है, लेबोरेटरी में क्या क्या हो सकता है, इवेल्यूएशन मेथड बच्चों के जो भी हैं उनमें कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो ये सभी एरिया हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी एरिया हो सकते हैं। देन हम सर्वे को, मतलब ये जो सर्वे ऑफ नीड्स है, इसको और कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोफेशनल हैं, उन्होंने कहा था कि एक पेपर लो और उस पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। उन्होंने कहा फिर इसमें मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव देखो कि इंस्टीट्यूट का मिशन क्या है, राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है। देन दूसरे पेज पे ये लिखो कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, मिशन या विजन है, ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। राइट, कंप्लीट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रखो सभी प्रोसेस। कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो क्या बन जाएंगी, हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी ना, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके,
देन टाइम टू टाइम एक्सपर्ट ओपिनियन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो ICT से रिलेटेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन से रिलेटेड हो, सभी में एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाना चाहिए। तो ये था पहला स्टेप। देन दूसरा स्टेप है कि अंडरटेकिंग ए सर्वे ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल विद स्कूल। तो एनालिसिस स्टेप के बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है या सर्वे कंडक्ट कराना ज़रूरी है कि फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स स्कूल में इन कम्युनिटी में अवेलेबल है, और है तो कितना अवेलेबल है, किस तरह से इन सबको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को या दूसरे स्टाफ को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें स्कूल में अवेलेबल हैं, कि जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं हमने वो किसके अकॉर्डिंग पूरे होंगे, उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सर्वेयर को सब कुछ पता होना चाहिए कि व्हाट इज अवेलेबल और नॉट रिलेटेड टू डिफरेंट स्कोप्स एंड एरिया ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। कि सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, ICT टेक्नोलॉजी है तो उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है, लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो बुक्स कितनी हैं कितनी नहीं है, क्या क्या मंगवाना है, लेबोरेटरी में कितना सामान है कितना नहीं है, कितना मंगवाना है, तो दैट थिंग शुड बी वेरी क्लियर, राइट। वो सर्वे के जरिए हम पता कर सकते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है और कौन से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, तो वो भी हम कर सकते हैं। देन है वही स्टेप चल रहा है, तो यहाँ पे टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सर्वे कर सकते हैं कि कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है कम्युनिटी में। कम्युनिटी का रोल भी बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो सपोज करो स्कूल में ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पे हमें कम्युनिटी की मदद लेनी है, मेडिकल फैसिलिटीज, फैक्ट्रीज या बच्चों को वहाँ पे ले जाके कुछ सिखाना है, म्यूजियम्स में ले जाना है, वाटर वर्क्स है, सपोज करो स्कूल में पानी की दिक्कत है तो उसके लिए वाटर वर्क्स को बुलाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है तो वहाँ पे हमें लेबर्स बुलाने पड़ेंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें, है ना। देन अगर कोई डिजीज इरेडिकेशन कैंपेन है तो उसके लिए ऑफिसिस का होना ज़रूरी है आसपास या कम्युनिटी में। तो इसीलिए कम्युनिटी में भी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पता होना या कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या आ जाता है फिर कि कम्युनिटी में जो भी रिटायर्ड टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्टिस्ट हैं, मतलब डांसर म्यूजिशियन या पेंटर है ना, और जो भी अदर प्रोफेशनल हैं जो अपने काम में बहुत ज़्यादा निपुण हैं, कारपेंटर्स है ना, और आर्किटेक्ट, देन अलग अलग जो भी प्रोफेशन है, इलेक्ट्रीशियन है, तो वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्या क्या एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग उनकी नीड है, प्रॉब्लम है, तो ये भी चेकआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लर्नर्स को सबसे ज़्यादा मदद मिल सके, है ना। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हो आपको किसकी ज़रूरत है। चलो देन आते हैं प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट ऑफ प्लान। तो ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, रफ सा स्केच होता है कि ये चीज़ें पूरी होंगी, तो इसमें करंट पोजीशन क्या है और कहाँ तक जाना है, कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जिसको सुधारना है, ऑब्जेक्टिव को आइडियलाइज या गोल्स को आइडियलाइज किया जाता है, उनको फिक्स किया जाता है, मतलब अभी फिक्स नहीं हो रहा, अभी ड्राफ्ट है, ठीक है, इसी के बेस पर चीज़ें फिक्स होंगी, फाइनलाइज होंगी। देन ये देखा जाएगा कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। इसमें ये भी है कि जो नए टीचर हैं उनको शॉर्ट टर्म में रखो और जो पुराने टीचर हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल में रखो। देन है रिसोर्सेज की, कौन कौन से रिसोर्सेज की नीड्स होगी, ज़रूरत होगी, कितना टाइम लगेगा, कैसे टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आती हैं जब प्लान ड्राफ्ट को प्लान किया जाता है। इसी में ये भी डिसाइड होता है कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा या इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होगा, इंडिविजुअल लोगों को अलग अलग काम दे देंगे या उनका ग्रुप बना देंगे, ग्रुप को अलग अलग काम दे देंगे, तो ये सब कुछ ड्राफ्ट में ही होता है। देन आती है बात फाइनलाइज करने की, फाइनलाइजिंग प्लान आफ्टर डिस्कशन विद कंसर्न पर्सन, टीचर, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, इवन पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिटी भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सभी से अब बात करके क्या होगा, फाइनलाइज कर देंगे, सब अपनी राय देंगे, है ना। तो जो भी ड्राफ्ट था उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, उसको इम्प्रूव कर देंगे और यहाँ पे हम प्लान को बिल्कुल फाइनलाइज कर देंगे, राइट। तो जो भी कॉमन गोल्स होंगे वो फाइनलाइज हो जाएंगे, और अगर हमें ज़रूरत है तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया जा सकता है
पेशेवर की राय ली जा सकती है। देन इसमें ये पॉइंट है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मॉडिफिएबल होती हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डायनेमिक होती हैं और रिजिड नहीं होती है। क्यों रिजिड नहीं होती? क्योंकि टाइम के साथ एजुकेशन में बदलाव आता रहता है, तो इनका डायनेमिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायनेमिक का मतलब है कि टाइम के साथ चेंज हो सके, है ना। जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग तो करी होगी कोरोना से पहले भी, लेकिन कोविड आ गया तो सभी को चेंज करनी पड़ी, तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। टीचर्स का ट्रांसफ़र होता रहेगा, है ना। नेचुरल कैलेमिटीज आ सकती है, भूकंप आ सकता है, स्कूल टूट सकता है, मतलब ये तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन फिर भी तैयार रहना ज़रूरी है। एनरोलमेंट हो सकता है स्टाफ का, है ना। डेमोग्राफिक चेंज आ सकता है, नई पॉपुलेशन आ सकती है, मतलब हो सकता है बहुत बड़ा ग्रुप एक ही पॉपुलेशन का आ जाए, तो सभी के अकॉर्डिंग काम करना, सभी के अकॉर्डिंग चीज़ें फुलफिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए ये मॉडिफिएबल होती हैं, रिजिड नहीं होती हैं, डायनेमिक होता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का स्टेप। देन इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना, रिव्यू करना ज़रूरी है, एटलीस्ट सिक्स मंथ में, और अगर सिक्स मंथ में नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट वंस ए ईयर इसको रिव्यू करना इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को ज़रूरी है कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। देन बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। देन इम्प्लीमेंटेशन के बिना जो प्लानिंग है वो क्या है? पीस ऑफ पेपर है। तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्टिव क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इम्प्लीमेंटर्स के लिए भी, प्लानर्स के लिए भी, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेंगे, ठीक है। देन इसमें टास्क एंड असाइनमेंट के बारे में बताया है कि सभी टास्क और असाइनमेंट क्या है, उनसे किसी न किसी तरह का रिजल्ट जुड़ा हुआ है। सपोज अगर हम सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम साइकिल चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना, तो जो भी काम हो रहा है, टास्क असाइनमेंट हो रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट जुड़े हुए हैं, और वो रिजल्ट चेकआउट होने चाहिए कि कितना काम हुआ, उसका रिजल्ट क्या है। देन है प्रॉपर टाइम एलोकेशन। टाइम एलोकेशन का मतलब है कि एक काम को कुछ समय देना, कितने टाइम में वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि पार्ट टेक्निक का यूज हो सकता है। पार्ट का मतलब है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि रियलिस्टिक प्रोजेक्ट जो है वो रियल टाइम में कितने टाइम में वो ख़त्म होंगे, ठीक है। ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम टाइम एलोकेशन का पता कर सकते हैं, मतलब टाइम एलोकेट कर सकते हैं ये पता करके कि कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर काम में। तो उसके लिए इसको हम कभी पढ़ेंगे अलग से। देन इसी में है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस का ये मतलब ये है कि टास्क कितना हुआ है कंप्लीट, प्रोजेक्ट कितने कंप्लीट हुए हैं, है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना या रूट तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर मेंबर्स पे वर्कलोड ज़्यादा है तो उसको कम किया जा सकता है। अगर थर्ड पार्टी इशू है तो उसकी प्रोग्रेस को चेकआउट करना, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर है या वाटर वर्क है या कोई भी, तो उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ना, मिस्त्री आएंगे, लेबर आएगी या इंजीनियर आर्किटेक्ट आएंगे, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी उसी इशू है। तो और कितना सामान आया, सपोज आईसीटी टूल है तो वो कहीं ना कहीं बाहर से आएगा, उसमें टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन खुद नहीं बना सकते ना, तो अगर थर्ड पार्टी इशू है तो उसको भी चेकआउट करना, उसकी प्रोग्रेस चेकआउट करना ज़रूरी है। देन ये है कि इसमें ये लिखा है कि हेड की ड्यूटी होती है सभी काम देखना, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सभी का बहुत ज़्यादा जरूरी है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का, इवन स्टेक होल्डर्स का भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है इसमें। देन ये है कि प्रायोरिटी देना टास्क को बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पहले कौन से टास्क को फुलफिल किया जाए, और अगर कोई काम रुक सकता है तो उसको फिर बाद में किया जाए, है ना। सपोज पानी की दिक्कत है तो वो प्रायोरिटी है, गर्मी में और पानी की दिक्कत है तो और ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो उसको सॉर्ट आउट करना, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन अल्टरनेटिव प्लान भी होना, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें अल्टरनेटिव प्लान भी होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन स्टेप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। देन है इवेल्युएटिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, जो भी चल रहा है तो उसको किस तरह से ठीक किया जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है, उससे हमें पता चलेगा पूरा काम कैसा चल रहा है। ये हो सकता है इंटरनल हो, एक्सटर्नल कमेटी मेंबर हो, है ना, कह सकते हैं हम कि रिव्यू कर दो।
फॉर्मेटिव हो सकता है, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ रिव्यू करते रहें, या समेटिव हो सकता है प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद या टाइम पीरियड खत्म होने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। इवेल्युएशन की बहुत सारी टेक्निक है, फीडबैक सर्वे जैसे टीचिंग मेथड को लेके या टीचर्स को लेके इंस्टीट्यूशन में होता रहता है ना कि किस टीचर ने कैसा पढ़ाया, इंटरव्यू हो सकते हैं, है ना, स्टेक होल्डर से राय ली जा सकती है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इवेल्युएशन के जो कि यूज किए जा सकते हैं। देन है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवेल्युएशन की क्वांटिटी कितनी बड़ी। सपोज बात हुई थी कि चार लेबोरेटरी बननी है ना, फोर लैब्स बननी है, तो कितनी बनी है ना उससे चेकआउट हो जाएगा पर्टिकुलर टाइम में। क्वालिटी, क्वालिटी ये है कि एकेडमिक रिजल्ट बच्चों का कैसा आया टीचिंग मेथड इम्प्रूव करने के बाद, तो ये सभी चीज़ें इसके जरिए हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये थे प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन, प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको ये भूल भी जाओ ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद कैसे प्लानिंग करोगे ना, अपने आप को उस जगह पे रखना और स्टेप्स अपने आप निकल के आ जाएंगे, है ना, कि आप पहले सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, फिर ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर सर्वे करोगे, फिर ड्राफ्ट बनाओगे, फिर फाइनलाइज करोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर इवेल्युएट करोगे। तो इस वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिल गई होगी। बाकी आप अपने आप से बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मैनेजर या बीइंग ए लीडर सोच के देखना, ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हम रोज डेली की लाइफ में भी ये स्टेप्स अपनाते हैं, अपनी फैमिली में भी अपनाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती तब भी अपनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन सा टॉपिक है, रियल लाइफ से बहुत रिलेट करता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।